सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाता हूं कि कितना कुछ काम हुआ है यूईआर 2 पे, जो कि स्टार्ट हो रहा है NH1 अलीपुर दिल्ली से और ये आगे जाकर कनेक्ट होगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और आज इसी यूईआर 2 की बात होगी, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। यूईआर 275 किलोमीटर लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है NH1 से और ये कनेक्ट करेगा NH8 को, यानी कि दिल्ली चंडीगढ़ रोड को ये कनेक्ट करेगा दिल्ली जयपुर जो रोड है, जिसे कि दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। डीडीए द्वारा सन 2000 में जो मास्टर प्लान बनाया गया था 2021 का, उसमें इसे शामिल किया गया था और 2021 तक इसे बनाया जाना था, लेकिन तय वक्त पे लैंड एक्वायर करने का जो काम है वो कंप्लीट नहीं कर पाई डीडीए, और इसी वजह से सन 2018 में इस प्रोजेक्ट को ट्रांसफर कर दिया गया NHAI को। इस प्रोजेक्ट का जो पूरा कॉस्ट है वो है दोस्तों 8000 करोड़ का। 4000 करोड़ डीडीए को देना है और 4000 करोड़ की फंडिंग NHAI द्वारा किया जाएगा। 2024 तक इसे रेडी करना है। UER2 के इस प्रोजेक्ट के ऊपर 25 फ्लाईओवर्स बनाए जाने हैं, 11 व्हीकल अंडरपास बनाए जाने हैं, 11 पैसेंजर अंडरपास बनाए जाने हैं, 17 सबवे बनाए जाने हैं, और तो और इस पे 2 टोल प्लाजा और 31 बस स्टैंड बनाए जाने हैं। इस पे 8 लेन का एक्सप्रेस लेन होगा और 4 लेन का सर्विस रोड होगा, और इस 75 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट को 5 पैकेज में डिवाइड किया गया है। तो ये जो सामने देख रहे हो ये है अलीपुर नरेला रोड। इस तरफ जाओगे तो यहाँ पर रेलवे लाइन है जिसको कि इसे क्रॉस करना है। यहाँ पर ये जो रोड है इसको बंद कर दिया गया है ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर काम किया जाना है लेन बनाने का। और यही वो रोड है जिसके जरिए आप आगे की तरफ जाएंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे NH1 पर, कि NH44 भी कहते हैं, उसी तरफ से ये आ रहा है। और यहाँ से ऐसे होते हुए फिर ये आगे जाएगा द्वारका होते हुए और फिर द्वारका एक्सप्रेस वे पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा, और इसके जरिए आप दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर भी कनेक्ट होकर फिर आगे जयपुर की तरफ जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना ये होने वाला है। इस तरफ अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर पूरी तरीके से हाईवे का काम किया जाना है, और इसी वजह से यहाँ पर आपको दिखेगा कि रोड़ी बजरी का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। मैं आपको इस तरफ लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस तरफ काम किया गया है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इस तरफ का कि यहाँ पर जो रेलवे लाइन है उसको किस तरीके से ये क्रॉस कर रहा है। यहाँ से जो NH1 है वो है तकरीबन 3 किलोमीटर, और इस पूरे 3 किलोमीटर हिस्से पे ज़्यादातर जो हिस्सा होने वाला है वो हाईवे का पार्ट ही होने वाला है। एलिवेटेड पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा लेकिन वो बहुत ही कम है। ये यहाँ पर हाईवे का पार्ट बनाया जा रहा है, और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पुराना रोड था इसी रोड पे लेन ऐड करने का काम किया जा रहा है। जी मतलब ये ब्राउन फील्ड का अलाइनमेंट है और इसी ब्राउन फील्ड अलाइनमेंट पे यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये अगर जगह देखेंगे तो यहाँ पर इस पूरी तरीके से अर्थवर्क का जो काम है वो कर दिया जा चुका है, और साथ ही साथ रोड़ी बजरी डालने का भी काम है वो भी कर दिया जा चुका है। सामने यहाँ से 200 मीटर आगे अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा NH1, जिस NH1 के ऊपर इंटरचेंज बनाया जाएगा जहां पर फ्लाईओवर का काम किया जाएगा। उससे पहले अगर आप देखेंगे टुवर्ड्स, अगर आप द्वारका की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर एक अंडरपास भी बनाया जा रहा है, और उसके ऊपर भी इस वक्त पे आपको टीम काम करते हुए नजर आ जाएगी। अंडरपास के जो मिट्टी निकालने का काम है वो यहां पर किया जा रहा है। कि सामने अगर आप देखेंगे तो ये पावर लाइन है जिसको कि यहाँ पर शिफ्ट किया जाना है, और इस जगह पर यहाँ पर जो ये पावर लाइन को शिफ्ट किया जाना है इसका काम तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट भी बनाया जाएगा, क्योंकि इस जगह पर रोड है एक, और उस रोड को क्रॉस कराने के लिए एलिवेटेड पार्ट यानी कि पिलर के सहारे यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। UER2 का अपडेट हम और आप बड़े दिनों बाद देख रहे हैं, और कमाल का ये अपडेट है UER2 का, क्योंकि इस पे बहुत सारा काम हो चुका है, और देखने में अब लगता भी है कि यस इस UER2 के ऊपर अच्छा खासा काम हुआ है। तो दोस्तों ये जो रोड है UER2 वो इस जगह पर क्रॉस करेगा इस अलीपुर नरेला रोड को, और यहाँ पर भी ये जो क्रॉस करेगा ये क्रॉस करेगा फ्लाईओवर की मदद से। जी हाँ,
और वैसे अगर आप ये रोड देखोगे तो ये बहुत ही बिजी रोड है, 4 लेन का है ये इस वक्त, लेकिन अगर भविष्य में इसे 8 लेन का भी किया जाना हुआ तो भी किया जा सकता है, इसलिए इतनी स्पेस यहाँ पर छोड़ दी जाएगी इस वक्त पे ही। जी हाँ, और इसी वजह से यहाँ पर हमें और आपको एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच की दूरी भी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ से ये जो एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट होगा वो सीधा जो रेलवे लाइन है उसको क्रॉस करने के बाद ही नीचे आएगा। और उसके आसपास भी अगर आप देखोगे तो पिलर बनाने का जो काम है वो किया जा चुका है, क्योंकि सबसे पहला काम यूईआर 2 पे एचजी इंफ्रा ने इसी जगह पर स्टार्ट किया था, जो कि था पाइलिंग का यहाँ पर, ये जो ट्रैक है उसके आसपास, क्योंकि उनको पता था कि सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगने वाला है, जो कि होता है कंक्रीट का स्ट्रक्चर। मुझे ये लगता है कि यूईआर 2 का ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत तेजी के साथ इसके ऊपर काम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।